नमस्कार जोहार गुड मॉर्निंग सभी को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि VPRP रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे और इसे ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि VPRP सर्वे 3 स्तर पर होता है, SHG स्तर पर, VO स्तर पर और फाइनली GP स्तर पर। ठीक है, तो जब GP स्तर पर सर्वे हो जाता है तो उसमें क्या रहता है कि SHG और VO से जितने भी आवेदन आते हैं उनका समेकन रहता है। ठीक है, तो वो डाटा फाइनली हम सबमिट करते हैं और फिर उस डाटा को हमें डाउनलोड करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि हम ग्राम पंचायत के VPRP सर्वे किए गए डाटा को, जिसमें आपका इंटाइटलमेंट और लाइवलीहुड दोनों डाटा रहता है, उसको कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर उसका प्रिंटआउट निकाल के उसको हम ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में कैसे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इस वीडियो में कि कैसे आप उस डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे अपने मोबाइल के। देखिए, गूगल क्रोम में जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको एक URL को सर्च करना है, या तो कहें URL को टाइप करना है। ठीक है, देखिए ये URL है, देखिए मैंने पहले से करके रखा है तो यहाँ पे शो होने लगा है। ठीक है, ये है इसके URL। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको राइट डाउन कर लें, या तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इस लिंक को दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा साइट। ठीक है, इससे हम रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हम करने के बाद सर्च करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है कि लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। ये कौन से लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है दोस्तों? ये ग्राम पंचायत के लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है, जो अंत में जो GP फैसिलिटेटर थे, GP इंटाइटलमेंट और GP लाइवलीहुड, उन दोनों में से किसी एक के लॉगिन आईडी से लॉगिन करिएगा, आपका ये खुल जाए। तो देखिए हमने लॉगिन कर लिया है। ये है GP लिस्ट मुकुंदा, ये मुकुंदा का लॉगिन आईडी था। देखिए ये हमें खुल गया है। अब हमें मुकुंदा पे टैप करना है। देखिए टैप कर दिए, देखिए ऐसा कुछ खुल गया। ठीक है, देखिए इंटाइटलमेंट प्लान, ठीक है, इसके अंतर्गत इंटाइटलमेंट कॉन्सोलिडेटेड, PGSRD कॉन्सोलिडेटेड और SDP कॉन्सोलिडेटेड है। ठीक है, ये तीन पार्ट है इंटाइटलमेंट के, उसी तरह लाइवलीहुड के भी तीन पार्ट है, लाइवलीहुड कॉन्सोलिडेटेड 1A, लाइवलीहुड कॉन्सोलिडेटेड 1B और लाइवलीहुड कॉन्सोलिडेटेड 2। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 6 रिपोर्ट है, 3 इंटाइटलमेंट और 3 लाइवलीहुड के, इन तीनों को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर इसको जिस दिन आपके पंचायत में ग्राम सभा होगा उस दिन इसको प्रस्तुत करना है। फिर आगे फैसला वहीं पे लिया जाएगा कि कितनी योजनाओं को स्वीकृत करनी है और कितनी को नहीं। तो सबसे पहले काम यही है कि हमें इसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आप अपने ब्लॉक ऑफिस से संपर्क करेंगे, अपने फील्ड के CC या कोई भी फील्ड स्टाफ जो आपके वहाँ है पंचायत में, आप उनसे संपर्क करेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद वो ऑफिस से आपका प्रिंट निकाल के फिर वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इंटाइटलमेंट कॉन्सोलिडेटेड पे क्लिक करना है। देखिए ये रिपोर्ट जनरेटिंग होने के बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। देखिए ये डाउनलोड होके मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, इसलिए ओपन हो जा रहा है, बाकी मैं बताऊंगा कि कहाँ डाउनलोड होता है। देखिए इसमें क्या रिपोर्ट है इसको हम देख लेते हैं। ऊपर में देखिए GP इंटाइटलमेंट VPRP फॉर GPDP 2022-2023। ठीक है, ऐसा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, इसमें फिर जब आप जाइएगा तो उसको भर देना है। ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट, अपने प्रखंड का नाम जैसे जो है, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें आप फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ VO लिखा है, VO जितने हैं आपके ग्राम पंचायत में वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और डेट डाल देना है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए पहला रिपोर्ट है, अब यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत मुकुंदा VO काउंट 2 और SHG 44, मतलब मुकुंदा में 2 VO हैं और 44 समूह हैं। ठीक है, और अब देखिए
अब पूरे पंचायत से देखिए मनरेगा जॉब कार्ड के जितने आवेदन आए हैं यहाँ पे आपको ये शो करेंगे लिस्ट, ठीक है। ये देखिए शो कर रही है, नाम शो कर रहा है, ठीक है। और वार्ड, विलेज, ये सब देखिए शो, समूह का नाम, वीओ का नाम, ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जितनी भी योजनाएं आई हैं उसका समेकन किया गया है। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, ये राशन कार्ड है, ठीक है। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास की इतनी योजनाएं हैं, तो ठीक है, जितने भी आप लोग ये उस समय भरे होंगे वो यहाँ पे शो करता है। चलिए ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब देखिए डाउनलोड कहाँ हुआ है, उसको देखने के लिए आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पर जाएंगे, ठीक है। फाइल मैनेजर पर डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे जीपी इंटरटेनमेंट डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको करना है कि इसको रीनेम कर देना है, आपको पंचायत का नाम इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि डाटा आपका कहीं मिसमैच ना हो जाए। तो हम यहाँ पे मुकुंदा लिख देते हैं जिससे मालूम चलेगा कि ये डाटा हमारा मुकुंदा पंचायत का है। देखिए मुकुंदा जीपी कर दिए, इसलिए क्या है क्योंकि देखिए मैंने दूसरे पंचायत का भी डाउनलोड करके रखा परसबनिया, तो कहीं डाटा मैच ना कर जाए इसलिए मैंने मुकुंदा डाल दिया। तो अब मुझे याद रहेगा कि ये मुकुंदा का रिपोर्ट है, ठीक है। एक रिपोर्ट हो गया डाउनलोड। अब चलिए हम दूसरे पर जाएंगे, देखिए PGSRD कंसोलिडेटेड, इस पर टैप करना है यहाँ पे। ये भी देखिए डाउनलोड हो जाएगा, देखिए ये भी डाउनलोड होके ओपन हो गया है। इसमें आप इसमें भी वही करना है, भर देना है ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसमें भी वीओ का ये सिग्नेचर होगा मुहर के साथ। और देखिए इसमें भी वही है मुकुंदा में, इसमें देखिए ऐसे कोई योजना नहीं आई थी PGSRD के अंतर्गत, इसीलिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसको भरने के समय शायद नहीं भरे होंगे, तो इसको हम लोग इसमें भी रिनेम कर देते हैं। ये दोस्तों जो PGSRD था ये बेसिकली सार्वजनिक माल सेवाएं वस्तु जो एक ऑप्शन रहता था वो था, जिसमें हमें डिमांड करना रहता था कि सड़क चाहिए, पंचायत भवन या तो सामुदायिक केंद्र, वो था, ठीक है। तो यही था इस रिपोर्ट में, ठीक है। चलिए इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों आपको, और साथ ही साथ SDP कंसोलिडेटेड को भी डाउनलोड कर लेना है। ये सोशल डेवलपमेंट प्लान जो था सामाजिक विकास, उसका रिपोर्ट इसमें रहता है, ठीक है। तो अगर जिन्होंने कुछ इसमें डाला रहता है जैसे कि खराब छुड़ाने के सामाजिक समस्याएँ, तो वो इसमें प्रदर्शित होती, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है तो हमें इसका भी कर लेना है, इसको भी रिनेम कर देंगे यहाँ से, मुकुंदा लिख देना है, रिनेम यहाँ से कर देंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया इंटरटेनमेंट का तीनों रिपोर्ट डाउनलोड, ठीक है। इसी तरह हमें लाइवलीहुड का भी तीनों रिपोर्ट जो दिख रहा है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए लाइवलीहुड कंसोलिडेटेड बनने को करते हैं, इसमें लाइवलीहुड से जितने भी आवेदन आए थे उन सभी का रिपोर्ट रहता है। तो देखिए वो हमारा डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया होगा दोस्तों, सभी का ओपन नहीं हो। देखिए LH रिपोर्ट डाउनलोड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये डाउनलोड फोल्डर में इसको ओपन करके एक बार हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इसमें भी वही आपको पूरा पंचायत का रिपोर्ट रहता है। देखिए नेम ऑफ ग्राम पंचायत मुकुंदा, 2VO 44SSG, ठीक है। यूजर है VO NCLF। तो जो आपने इधर दिखाया होगा लाइवलीहुड में तो वो यहाँ पे शो करता है, जैसे देख लीजिए अंजना देवी, इनको क्या चाहिए था, ट्रेनिंग चाहिए था किस चीज़ का, टेक्निकल ट्रेनिंग किस पे, सेरिकल्चर पे चाहिए था, ठीक है। SSG का नाम इनका दिख रहा है, ठीक है। और इधर इनका VO का नाम दिख रहा है, नॉन फार्म से था, ठीक है। तो यही है पूरा रिपोर्ट इसमें जो उस समय आप लोग फिल किए होंगे, तो ये पूरा रिपोर्ट इसका भी प्रिंटआउट आपको निकाल लेना, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको भी अब रीनेम कर देते हैं, ठीक है। मुकुंदा का रिपोर्ट है तो देखिए हम मुकुंदा डाल लेंगे, चलिए इसको हम मुकुंदा कर दिए। और फिर और दो रिपोर्ट बचा हुआ है उसको भी हम डाउनलोड कर ही लेते हैं, इसको देखिए इसको भी डाउनलोड कर दिए। ये देखिए नीचे जनरेटिंग रिपोर्ट होता है, ठीक है। अब वो भी डाउनलोड हो गया होगा दोस्तों, देखिए ये मुकुंदा LH, देखिए हो गया डाउनलोड LH रिपोर्ट 1B
इसको भी पहले रीनेम कर देते हैं। चलिए ये भी डाउनलोड हो गया। इससे भी लाइवलीहुड से जुड़ी हुई रिपोर्ट रहती है, ठीक है, जो हम लोग समय भरा रहता है। फिर मैं अब कंसोलिडेटेड 2 को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए नीचे जनरेटिंग रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए ये भी डाउनलोड हो गया हो, तो हम डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं। अब देखिए डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद LH रिपोर्ट 2, ठीक है, तो इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं यहाँ से। देखिए मुकुंदा LH रिपोर्ट, ठीक है, तो ये हमारा 6 रिपोर्ट पूरा डाउनलोड हो चुका है। देख लीजिए मुकुंदा का यहाँ से, मुकुंदा GP इंटरटेनमेंट, मुकुंदा PGSR, मुकुंदा SDP, मुकुंदा LH रिपोर्ट 1A, मुकुंदा LH रिपोर्ट 1B, मुकुंदा LH रिपोर्ट 2, ठीक है। तो ये कुल मिला के 6 रिपोर्ट्स है, तो इनको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक बार मैं प्रोसेस को मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ग्राम पंचायत के किसी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा इस साइट पे, ठीक है, और यहाँ से इन सारे रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद उसका आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है। तो प्रिंटआउट निकालने के लिए मैंने पहले से ही कहा है कि आप अपने फील्ड स्टाफ से संपर्क करिएगा, ठीक है, और फिर वो ऑफिस से प्रिंटआउट निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस डाउनलोड किए गए जो आपके पेज रहेंगे रिपोर्ट के, ठीक है, उसके फ्रंट में दिया हुआ है जैसे VO का सिग्नेचर, एक मैं आपको बता देता हूँ। इसने तो नहीं दिया है, अंत में देख लेते हैं। इंटाइटलमेंट में दिया रहा था दोस्तों, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे इंटाइटलमेंट है तो जहाँ जहाँ सिग्नेचर का ज़रूरत रहेगा आप उसको देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर और VO, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, या तो इस पूरे जगह पे, अगर यहाँ पे जैसे 2 VO है तो मुहर के साथ साइन कर देंगे इस रिपोर्ट पे, ठीक है, तो ये करवा लेना है, ठीक है। और फिर उसको जिस दिन आपके पंचायत में ग्राम सभा होगी, जैसा कि शेड्यूल्ड अब बनाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ये VPRP सर्वे कंप्लीट हो गया है वहाँ अब ग्राम सभा हो रही है, तो फिर वहाँ पे इस रिपोर्ट को लेके जाना है और वहाँ पे इन सारी योजनाओं को पारित किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सदस्य बैठेंगे ग्राम पंचायत के, मुखिया, वार्ड समिति सदस्य, ठीक है, ये लोग रहेंगे और ग्राम पंचायत के मेम्बर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो उस दिन जितनी भी योजनाएँ आएंगी उनको फिर डिस्कस करके उनको पारित किया जाएगा। तो यही था मेन रिपोर्ट का, और इसके बाद जितनी योजनाएं पारित होंगी या जो होंगी वो तो उस ग्राम सभा में ही होगी, तो बस आपको ये ले जाके वहाँ पे प्रस्तुत करना है और उसके बाद फिर हमारा ये VPRP कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको इस VPRP रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद क्या करना है इसको अच्छे से बता पाया हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ मेरे चैनल पे, SHG VO और GP का सर्वे कैसा करना है और मोबाइल पेंट्री कैसा करना है, इसका मैंने पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।